हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमें प्रोमिथिस की सर्विस बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, और उसको हमने रन करके भी देख लिया था। सारी चीज़ें हमारे पास सही वर्क कर रही थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें नोड एक्सपोर्टर जो है उसकी सर्विस बनानी है, नोड एक्सपोर्टर की सर्विस बनानी है ताकि वो भी बैकएंड पे एज अ डीमन काम करती रहे और हमारे पास चीज़ें चलती रहें। ऐसा ना हो कि हम पर्टिकुलर सेशन क्लोज करें तो हमारे नोड एक्सपोर्टर क्लोज हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने अपने पास एक फाइल बनाई हुई है नोड एक्सपोर्टर के नाम से। CentOS 7 में ऐसे होगा, बाकी अगर आपने CentOS 6 में करना है तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। सबसे पहले इसमें वही काम हुए हैं जो हमने किए हैं ऑलरेडी। PWD यहाँ पे हमने डाउनलोड कर ली थी फाइल, ये फाइल हमने डाउनलोड कर ली थी, उसके बाद इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया था। ठीक है, तो फाइल डाउनलोड हुई भी है, एक्सट्रैक्ट हुई भी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें यूज़र क्रिएट करना है। हो सकता है मेरे पास यहाँ पे भी जो है सर्विस सारी वो हो रही हो, मेरे पास यहाँ पे भी जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट के वो आ रहे हो, पॉपअप आ रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है या ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है या ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वो बनी हुई है, डायरेक्टरी बनी हुई है, मेरे पास आ रहे हो। क्योंकि मैंने जब टेस्ट कर रहा था तो मैंने अपने पास ये सारी चीज़ें रन करके देखी थी, लेकिन आपके पास कुछ नहीं आएगा। आपने सिंपली कमांड यहाँ से कॉपी करनी है और अपने पास पेस्ट कर देनी है, कोई एरर नहीं आएगा आपके पास। तो स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि भाई यूज़र बना दो एक, जिसमें क्या हो, जिसके पास कोई शेल ना हो। एक यूज़र बना दो मैं, यूज़र नोड यूज़र का। मुझे कहेगा भाई आपके पास ऑलरेडी नोड यूज़र का यूज़र एग्जिस्ट करता है। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं। उसके बाद आपने क्या करना है, आप जहाँ पे हो, आपने जो एक्सट्रैक्ट किया था इसको, यहाँ पे आ गए आप। अच्छा, मैं एक चीज़ कर दूँ आपके लिए कि इसको एक्सट्रैक्ट करने की कमांड भी लिख दूँ, बल्कि लिखी हुई है, ऑलरेडी लिखी हुई है ये। ठीक है, CD करके आप आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे आ गए आप CD करके। अब आपने क्या करना है, वैसे यहाँ पे जो है इन्होंने क्या किया हुआ था कि डायरेक्ट इस डायरेक्टरी के अंदर से जाके मूव कराया था, लेकिन हमने क्या किया, हम इस डायरेक्टरी के अंदर खुद आ गए। तो हम कर लेते हैं भाई ये हट जाओ। सही है, थोड़ा सिंपल हो जाएगा ना आपके लिए भी कि इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए। इस डायरेक्टरी के अंदर ये तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको मूव करा दो यूज़र लोकल बिन के अंदर। आप मूव करा लो, आप CP करा लो, कोई मसला नहीं। ये आपने CP करा दिया। CP कराने का मतलब ये है कि आपने कॉपी करा दिया, मूव कराने का मतलब है कि आपने यहाँ से डायरेक्ट उठा के चीज़ कट पेस्ट कर दिया, यहाँ पे नहीं रहेगी, सिर्फ वहीं पे रहेगी। कॉपी पेस्ट मतलब यहाँ पे भी रहेगी और वहाँ पे भी रहेगी। आपने मूव करा दिया या कॉपी करा दिया, सिंपली मैं जब करूँगा ये, आप कॉपी करा लो, कोई मसला नहीं है। मुझे कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं कहूँ ठीक है, अगर है तो सही है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है काम। ओके, अब हमें क्या करना है, जहाँ तक हमारा काम हो गया, मेरे पास यूज़र लोकल बिन के अंदर एग्जीक्यूटेबल चली गई नोड एक्सपोर्टर की। अब इसी तरह मैंने यहाँ पे भी एक सर्विस की एक फाइल क्रिएट करनी है, विम करनी है, एक फाइल एडिट करनी है, etc/systemd/system/node/exporter.service। अगर आपके पास ये फाइल नहीं हो तो आपने सिंपली क्रिएट कर लेनी है, अगर फाइल है तो इसको एडिट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी वैसे आपके पास नहीं होगी फाइल, आप बस मेक श्योर करें आपके पास ये डायरेक्टरी सारी है, etc/systemd/system, उसके बाद आपने एक फाइल बना देनी है विम करके, एक फाइल बना देनी है नोड एक्सपोर्टर के नाम से, node/exporter.service। ठीक है, इसको हमने विम कर लिया। इसको विम करने के बाद इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी वही है प्री डिफॉल्ट, इसमें जो है चीज़ें लिखी हुई हैं ये ऐसी रहने देनी है, आपने इनको छेड़ना नहीं है। इसमें सर्विस बताई हुई है, सर्विस में ग्रुप यूज़र हमने जो यूज़र बनाया था यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, जो मैंने यूज़र बनाया था वो यूज़र दे दिया, जो ग्रुप बनाया था ग्रुप दे दिया, और उसके बाद मैंने इसको बता दिया कि भाई टाइप आपकी है बिल्कुल सिंपल, कोई मसला नहीं है, आपने सिंपल टाइप रखती है। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जीक्यूटेबल के लिए भाई बताया कि भाई आपने इस डायरेक्टरी पे, मैंने यहाँ पे ये मूव कराई थी, कॉपी कराई थी, आपने इसको एग्जीक्यूट करा देना है और इंस्टॉल मल्टीपल टारगेट्स में कर देना है, कोई मसला नहीं है, ये आपका सब कुछ ऑलरेडी सेटअप हो जाएगा और चल जाएगा, सर्विस बन के चल जाएगा। आपने ये सारी चीज़ें सेटअप की, आपने इसको सेव किया, सेव करके आप बाहर आए। आपने क्या करना है, आपने अब ये करना है, डीमन रिलोड कर दें आप। डीमन रिलोड होने के बाद आपने सर्विस स्टार्ट कर दी ने, नोड एक्सपोर्टर की सर्विस स्टार्ट कर दो। सर्विस स्टार्ट हो गई, इनेबल कर दो, उसके बाद इसका स्टेटस ले लो। ये लिसन कर रही है भाई पोर्ट, इसकी मैं IP देख लेता हूँ, और इसके बाद क्या होगा, इस IP पे, इस पोर्ट पे मुझे ये सर्विस मिल जाएगी।
9100 ये मेरे पास आ गए, मैट्रिसेस आ गए, उनके अंदर जो भी मेरे पास चीज़ें थी वो सारी चीज़ें आ गई। अब हमने नोड एक्सप्लोरर की सर्विस भी बना के देख ली। अब मैं इसको भले कंट्रोल सी करूँ या कुछ भी करूँ, अनटिल अनलेस मैं इसकी सर्विस को बाकायदा स्टॉप ना करूँ, सर्विस स्टॉप नोड एक्सपोर्टर एक्सपोर्टर ये ना करूँ जब तक वो सर्विस स्टॉप नहीं होगी। सर्विस नोड एक्सपोर्टर स्टेटस ये ना, इसी तरह मैं अगर इसको स्टॉप नहीं करूँ स्टेटस, या अगर स्टॉप नहीं करूँ इसको तो स्टॉप नहीं होगी, ये चलती रहेगी, ये डीमन में चलती रहेगी। ठीक है, तो अब मुझे कोई मसला नहीं है, मैं कंट्रोल सी करूँ या पट्टी बंद कर दूँ कोई मसला नहीं है, मेरे पास ये सारे मैट्रिसेस रहेंगे और मेरी सर्विस चलती रहेगी इन केस अगर मेरा कोई उसको मैंने स्पेशली उसको रन नहीं किया हुआ, मतलब कहने का कहीं से उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मैंने हिट नहीं किया हुआ, रन नहीं किया हुआ, वो ऑटोमेटिक सर्विस चल रही है और बैकेंड पे सर्विस उसकी चल रही है। ये भी देख लिया हमने, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम ग्रफाना के साथ क्या करना है। ठीक है, हम ग्रफाना इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ग्रफाना की भी सर्विस बनाएंगे और ग्रफाना को प्रॉमिसेस के साथ इंटीग्रेट कराएंगे, और जो हमें यहाँ से एग्जीक्यूट हो जो यहाँ से हमें एक्सपोर्ट हो रहे हैं ग्राफ्स, जो भी इसके स्टैट्स एक्सपोर्ट कर रहा है ये, वहाँ पे हम सारे विजुलाइज करा के वहाँ पे हम उसको बाकायदा विजुलाइज करके देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।